किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भाइयों, आज की वीडियो मैं आपको ACDI 65 ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। भाइयों, ये 65 HP का सबसे सस्ता ट्रैक्टर होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है, अभी दीपावली और धनतेरस आने वाली है, तो किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही खास डील होने वाली है। मेरे साथ डीलर जुड़े हुए जो उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश सिंह है। अच्छा, सतगुरु ट्रैक्टर के नाम से एसी ट्रैक्टर का शोरूम खोला है। अच्छा, कहाँ पे है शोरूम आपका? शोरूम ये पड़ेगा निकट बिडौरा गेट, सिसी खेड़ा, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर। अच्छा, तो हमारे किसान भाइयों को बताएं, आपका जो शोरूम है, आपके यहाँ पे कितने एचपी से कितने एचपी ट्रैक्टर मिलते हैं? हमारे यहाँ पर 20 एचपी से लेकर और 90 एचपी तक है, लेकिन अवेलेबल जो है 65 एचपी तक। अच्छा, मतलब 65 की डीआई 65 की डिमांड ज्यादा होती है? जी 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 जी। अच्छा। डीआई 65 की डिमांड ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो है अच्छा रिजल्ट भी आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर के बारे में, ये कितने एचपी का ट्रैक्टर होने वाला है सर? ये 60 प्लस में है। अच्छा, और कागज में जो है हम लोग कंपनी के वो है, ये 50 प्लस में ट्रैक्टर है। अच्छा जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये जो ट्रैक्टर, इसमें इंजन कितने सीसी का होने वाला है? ये 4088 सीसी का इंजन है इस ट्रैक्टर। अच्छा। का बिल्कुल, तो बिल्कुल। औरों की अपेक्षा इसका जो है जो ड्रॉपिंग कैपेसिटी है, वो ड्रॉपिंग कैपेसिटी काफी बेहतर है इसकी। अच्छा, मतलब आरपीएम बहुत कम ड्रॉप करता है? बहुत कम। अच्छा, मुझे एक बात और बताएंगे, जैसे कि ये जो ट्रैक्टर है, किसान भाई आज के समय में ट्रैक्टर को ज्यादा खरीद रहे हैं, आपको पता है डीजल के रेट बहुत बढ़ गए हैं, ट्रैक्टर की कीमत भी ज्यादा बढ़ गई है। जी जी। तो किसान भाई 2023 में ट्रैक्टर क्यों ज्यादा खरीद रहे हैं सर? इसमें अब किसानों को जो है अच्छी खासी समझ आ गई है कि जो और ट्रैक्टरों की अपेक्षा इसकी एसी ट्रैक्टर का जो है जो डीजल की खपत है वो बहुत कम है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। बाकी मैंने बताया था कीमत बहुत बढ़ गई ट्रैक्टरों की, तो इसकी कीमत क्या? औरों की अपेक्षा इसकी कंपनी ने काफी ज्यादा सपोर्ट कर रखी है, और हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा कस्टमरों का ध्यान रखकर कि उसे जो है जो मिले जेनुइन मिले और कीमत में भी ज्यादा फर्क ना पड़े। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे ट्रैक्टर के टायर के बारे में, ये तो इसमें जी, टायर कौन सी कंपनी के मिलते हैं? इसमें सभी MRF के ही हम लोग। अच्छा, के टायर आते हैं? जी जी जी। अच्छा, आगे टायर भाई उसके साथ 16 के मिलते हैं आपको। अच्छा, इसमें पावर स्टीयरिंग भी आता है? पावर स्टीयरिंग है, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। जी जी जी, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है सर। जैसे ये जो ट्रैक्टर है, आप बता रहे थे कि इस पे कीमत इसकी बहुत कम होने वाली है, लेकिन इसमें जो पार्ट्स वगैरह लगे हुए, जैसे टायर की बात करें, टायर इसमें MRF के आते हैं? हाँ जी हाँ जी। जो बड़ी कंपनी है MRF के टायर देती है, बाकी डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। जी जी जी। अच्छा, बाकी इसका जो फ्रंट डैशल है, ये एडजस्टेबल होने वाला है? जी जी जी। सर बहुत हैवी लगाया हुआ है, बहुत काफी कस्टमर को काम के अनुसार जो है कंपनी ने बहुत कुछ सुधार किया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई इसमें देख सकते हैं आप, जो बाटर सेपरेटर है ये कंपनी ने हाईलक्स का लगाया है, और जो फिल्टर वगैरह है सब बॉस कंपनी के लगाए हैं, मतलब इस ट्रैक्टर में कॉस्ट कटिंग नहीं की है ना? जी जी जी। अच्छा, इसका जो पेंट है, पेंट के कितने वेरियंट आते हैं? पेंट के इसके 3 वेरियंट है। अच्छा, एक पीले कलर में है। अच्छा, एक ये गेरुआ कलर है। अच्छा, और दूसरा नीला कलर। नीला कलर है वो तो किसान भाइयों की डिमांड होती डिमांड है डिमांड। अच्छा, सर यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस हाइड्रोलिक्स। जी जी। तो जी, क्या मतलब होने वाला है इसका सर? इसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी और ट्रैक्टरों की अपेक्षा बहुत ही एडवांस है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। बाकी सर बात करेंगे इसके पंप के बारे में, इनलाइन पंप मिलता है? इनलाइन पंप है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा इसके पंप के बारे में बताएं, जैसा कि आप बोला है तो इस ट्रैक्टर का जो डीजल खर्चा है काफी कम होने वाला है, कितना डीजल लेता है लगभग घंटे में ये ट्रैक्टर लोड पे, फुल लोड पे? जैसा कि सर हमने किसान भाइयों को बताया कि इस ट्रैक्टर में ड्रॉपिंग कैपेसिटी बहुत कम है, ना के बराबर है, बहुत कम ड्रॉपिंग करता है। बिल्कुल। और ड्रॉपिंग की वजह से तेल की खपत इसकी बहुत कम रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तेल की खपत जो है ड्रॉपिंग की वजह से, जब लोड मानेगा ट्रैक्टर तो तेल तो लेगा ज्यादा। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसलिए इसकी तेल की खपत कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो समझ आ गया है आज के किसानों को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फ्रंट में इसके जो लाइटें मिलती हैं, हैलोजन लाइटें मिलती हैं? जी जी जी। अच्छा सर, इसका बोनट कहाँ से खुलेगा, खोल के दिखाएंगे हमारे भाई? जो है ये यहाँ से खुलेगा, ये सिंगल उसमें। अच्छा, सिंगल पीस बोनट दिया हुआ है? जी जी जी। किसान भाई आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको डबल जैक मिलते हैं, जो ब्रांडेड कंपनी है सिंगल जैक दे रही है, इसमें डबल जैक दिया हुआ है। और अब दूसरा क्या है इसमें, कंपनी ने दिया है पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है वो अलग से जो है उसका वो किया है। अच्छा। कई ट्रैक्टरों में गियर बॉक्स से जो अटैच कर दिया जाता है, इससे क्या है कि उसके जो कंक्रीट है, जो अच्छा गियरों के कंक्रीट है, वो आके जो है फिल्टरों में चौक की शिकायत रहती है, दूसरे पंप की शिकायत ज्यादा रहती है। बिल्कुल। इसलिए इसके आर्मी डॉल किट में कोई परेशानी नहीं आती है, एक दूसरे डबल एक्टिंग राड की वजह। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई आप देख पा रहे हैं ये रेडिएटर दिया हुआ है,
अच्छा, इसमें सर जो एयर क्लीनर दिया हुआ है, ड्राई एयर क्लीनर? ड्राई एयर क्लीनर। ड्राई का फायदा बताएंगे मुझे? ड्राई का फायदा ये है कि इसमें जो है कभी भी आपको लगता है आप कभी भी निकालते हैं ज्यादा किसान के खर्चों के वजह से। अच्छा। अब वो है वो आयल वाले में इतना जंग भर जाता है और उससे क्या है कि वो इसमें जो है उतना दिक्कतें नहीं। अच्छा, मान लो मुझे ये ट्रैक्टर रीपर पे चलाना है। जी जी। तो सो उतारने पड़ेगी या फिर ऐसे चल जाएगा? जी जी, जैसे अगर रीपर में चलाना है तो सो तो उतारनी पड़ेगी क्योंकि काफी उसके धूल का वो रहता है। अच्छा, इसके लिए यही काम कर जाएगा? यही काम करता। अच्छा, बाकी भाइयों आप देख पा रहे हैं इसमें आपको एक्साइड की बैटरी मिलती है। जी सर, मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्रैक्टर है सस्ता तो बहुत होने वाला है लेकिन इसमें जो पार्ट्स वगैरह सभी जेनुइन कंपनी का है? जेनुइन जेनुइन। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी ये चूरा दिया हुआ है, बेट दिया हुआ है ना? बेट। अच्छा, कितने केजी का बेट होगा अप्रोक्सी? ये 50 के आसपास होगा। अच्छा जी। बाकी किसान भाइयों आप देख सकते हैं इधर पावर स्टीयरिंग का पंप, हाइड्रोलिक पंप अलग अलग है। जी जी जी। अच्छा जी सर, इनका फायदा बताओ, काफी ट्रैक्टर में एक होता है, इसमें डबल क्यों है? इसमें डबल ये है कि एक तो हाइड्रोलिक के लिए हो गया। अच्छा। और पावर स्टीयरिंग के लिए पंप अलग से जो कंपनी को देना पड़ता है, और उसके लिए पावर स्टीयरिंग का जो पंप है वो भी अलग है, उसका बॉक्स अलग है, वो है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे एक बात बताएंगे? जी। काफी ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा, किसान भाइयों ने भी देखा है कि इसमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग होता है। जी। इसमें डबल, तो डबल का फायदा क्या होता है? डबल का फायदा ये है कि ये एक तो लॉन्ग लाइफ हो जाती है। अच्छा। क्योंकि इसमें ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, बस सिंगल में लोड पड़ता है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। बाकी साइड में साइलेंसर दिया हुआ है, ये हाइड्रोलिक फिल्टर होने वाले हैं ना? हाँ जी हाँ जी, हाइड्रोलिक फिल्टर। बाकी ये जो ट्रैक्टर की कुछ गारंटी वारंटी होती है सर? इसकी 2 साल या 2000 घंटे। बिल्कुल जी बिल्कुल। दोनों में से कोई भी? बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी सर इसमें ब्रेक वगैरह कौन से मिलते हैं? आयल ब्रेक है ये। अच्छा भाइयों आप देख पा रहे हैं ये जो ट्रैक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा होने वाली है, लंबाई भी काफी है। लंबाई काफी है। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, जैसे ये ट्रैक्टर लंबा ट्रैक्टर है जी और इसकी थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है, तो ट्रैक्टर उठता तो नहीं है ज्यादा? इसकी लंबाई की वजह से उठने का तो कहीं से कहीं तक रहता ही नहीं है, अगर उसकी लंबाई छोटी थी तो उठता। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। इसका वेट भी काफी अच्छा खासा है। अच्छा जी जी जी। हाथी की तरह ट्रैक्टर होने वाला है? जी 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 बिल्कुल। बाकी भाई देखते हैं आप लोग, ये डुअल क्लच है ना? जी। अच्छा डुअल क्लच है, रिवर्स पीडीओ है। रिवर्स पीडीओ इसमें मिलती है? जी जी जी। अच्छा बाकी भाइयों आपको हम दिखाते हैं इसकी एसएफसी प्लेट, आप देख पा रहे हैं इसमें आपको 34 किलोवाट की पीडीओ पावर मिलती है। जी हाँ जी। बाकी एसएफसी आप देख सकते हैं आपके सामने सबको दिख रहा हो, 265 प्रति ग्राम की इसकी एसएफसी होने वाली है। ठीक है जी। और किसान भाइयों अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो गियर बॉक्स है, इसमें आपको 8+2 का साइड गियर मिलता है। तो किसान भाइयों इसके जो मीटर है इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर मिलते हैं? डिजिटल मीटर। अच्छा, तो पावर स्टीयरिंग वगैरह बहुत जबरदस्त काम करता है? जबरदस्त काम करता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। किसान भाइयों देख सकते हैं आप लोग, बाकी इसकी जो लिफ्ट है कितने केजी की होने वाली है? 2000 केजी की है। बाकी इसका जो स्टीयरिंग है काफी जबरदस्त स्टीयरिंग होने वाला है भाइयों, आप देख पा रहे हैं ये मोबाइल चार्जर के लिए होल्डर दिया हुआ है, यहाँ से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। भाइयों आप देख पा रहे हैं ये पीटीओ लीवर दिया हुआ है। सर मुझे एक बात बताएंगे, जैसे ये 65 HP का ट्रैक्टर है जी, तो इसके लिए कम से कम कितने फिट का रोटावेटर चाहिए? इसका कम से कम 8 फिट का। अच्छा, बाकी अच्छा बात करेंगे रीपर के बारे में। जी जी। तो कितने इंची का रीपर चलेगा इस ट्रैक्टर पे सर? 61 इंची। जी जी। अच्छा बाकी हैरो वगैरह इसके लिए कितने की तवे की चाहिए? इसमें हैरो जो है 9-9 की बढ़िया रहती है। 9-9 कम से कम 9-9 की। अच्छा बाकी सर मुझे एक बात और बताएंगे, जैसे ये जो ट्रैक्टर है जी जी, पहले इसमें 14 के टायर नहीं थे, पहले 16 के टायर थे। अब इसमें 14 के टायर आ रहे हैं। जी 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 जी। तो हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे जैसे 16 के टायर पसंद है। जी जी। तो 16 के मॉडल मिल जाएगा? 16 का मॉडल मिल जाएगा। अच्छा 16 में इसमें क्या फर्क होने वाला है कीमत का? कीमत का इसमें 15,000 का डिफरेंस है। अच्छा जी जी जी। बाकी भाई आप देख पा रहे हैं इसके जो फेंडर वगैरह है बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इसका पिछला हिस्सा, पिछले हिस्से में आप देख पा रहे हैं इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है। जी जी जी। अच्छा ये डबल डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा, और ये कोई भी इम्प्लीमेंट है जैसे लेवलर है, लेजर लैंड लेवलर है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसान भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हिच वगैरह बहुत हैवी दिया हुआ है। हिच इसी के जैसे ट्रैक्टर हाथी है उसी की तरह से इसके बिल्कुल दिए गए हैं। बाकी इसमें देख सकते हैं टॉप लिंग के लिए 3 होल मिलते हैं, जैसे आपकी यहाँ की मिट्टी वैसे आप यूज कर सकते हैं। जी जी। और किसान भाई ये ट्रैक्टर मिलता है आपके लिए, और ये बोतल रखने के लिए हो गया। बाकी ये फेंडर दिया हुआ है जो मडगार्ड की सेफ्टी करता है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। और ये टॉपलिंग साथ में मिलती है? टॉपलिंग साथ में, ड्रॉर साथ में। अच्छा जी जी। बाकी किसान भाइयों देख सकते हैं आप लोग, ये इसकी हाइड्रोलिक पट्टी है जो काफी जबरदस्त होने वाली है। तो किसान भाइयों इसमें जो डिफर वगैरह मिलते हैं बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, हैलोजन टाइप के आपको डिफर मिलते हैं, और ये आपको बैकलाइट मिलती है। सर आज की वीडियो में जैसे मैंने किसान भाइयों को शुरू में बोला था
कि ये जो ट्रैक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पे धनतेरस पे ऑफर वगैरह मिलने वाला है, तो क्या ऑफर इस पे मिलने वाला है, क्या डिस्काउंट दे रहे हैं आप इस समय ट्रैक्टर पे? इसमें इस समय हम लोग जो 8 लाख से ऊपर का जो ट्रैक्टर का जो रेट चल रहा था, अच्छा, वो उसे हम लोग ऑन रोड 7.5 का दे दे रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी इस पे लोन वगैरह कितना हो जाएगा सर? लोन इसमें 5.5 लाख तक लोन हो जाता है। अच्छा, कोई सी कंपनी से कराओ? कोई भी कंपनी से कराओ, एक्सिस बैंक से कराओ, HDFC से कराओ, SBI से कराओ, PNB से कराओ, कई बैंक जो है इसमें है, चोला मंडलम है, श्रीराम है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो तो किसान की मर्जी है, किसान की इच्छा है। अच्छा सर, मुझे एक बात और बता, जैसे आप बोल रहे थे कि आपके यहाँ ट्रैक्टर के अलावा इम्प्लीमेंट भी मिलने वाले हैं? हाँ जी हाँ जी, इम्प्लीमेंट का हम लोग काफी किसानों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंट में आपको कोई भी इम्प्लीमेंट किसान के अनुसार, उसकी जरूरत के अनुसार कोई भी इम्प्लीमेंट, चाहे रोटावेटर हो गया, चाहे लेवलर हो गया, और चाहे स्टोरी पर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, और हैरो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैंने आपको ACDI 65 ट्रैक्टर दिखाया। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खरीदने के लिए सर के दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सर क्या नंबर होने वाला है वैसे आपका? मेरा 99-272-13002। अच्छा, कहाँ आगे लोग ट्रैक्टर ले सकते हैं सर? ये हमारे से सितारगंज, खटीमा, पीलीभीत। अच्छा, मतलब जहाँ भी एसी की डीलरशिप नहीं है वहाँ के लोग ट्रैक्टर, वहाँ के वहाँ ट्रैक्टर दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, जहाँ हमारा एस का डीलर नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। तो किसान भाइयों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।